दोस्तों ये देखिए मशरूम, बटन वाला मशरूम। इसमें थोड़ा सा घोर ऐड करेंगे। चावल का आटा मशरूम का सब्जी में ऐड करेंगे। इस तरह पकाया जाता है, ये देखो पका है कि नहीं। तो यहाँ वहाँ यहाँ से इतना सारा लाए तो दोस्तों ये है अरवा चावल, थोड़ा सा धान है इसमें साफ करना। अरवा चावल है, इसको भिगो करके रखेंगे थोड़ा देर के बाद पीसेंगे ग्राइंडिंग मशीन में। इसी तरह होता है धान से चावल, चावल से अरवा चावल। और ये धान है, इसको थोड़ा सा चुन चुन करके हटाएंगे। चावल तो सब कर लिए हैं, तो इस डक्की में डालेंगे डाल करके। तो पानी इसमें डालेंगे, पानी इसको भिगो करके रखेंगे। तो दोस्तों अरवा चावल भिगो करके रखे थे, तो इस सूपा में निकालेंगे। ये देखिए भिगो हो गया है, ये रहा अरवा का चावल पूरा भिगो हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का देसी ग्राइंडिंग मशीन, इसी में वो अरवा चावल इसी में इसी ग्राइंडिंग में पीसेंगे। पीस करके क्या बनाते हैं आप लोग खाली देखिए। तो ये देखिए हम लोग का देसी जुगाड़ ग्राइंडिंग, इसी में हम लोग धान उन कूटते हैं ना। तो ये देखिए अब डाल दिए अरवा चावल। ये देखो मशीन इसी तरह चलाया जाता है बिना तेल का, है ना। ये देखो ये छलनी से छलना पड़ेगा तब ना आटा निकलेगा। तो दोस्तों चावल का आटा तो हम लोग बना लिए, अब देखो ये मशरूम। मशरूम तो ऐसे आप लोग रेसिपी, आज ये देखो हम लोग क्या बनाएंगे, अलग स्टाइल पात में पकाएंगे। क्या बोला जाता है हमको भी नहीं पता, आपको देखिए आगे किस तरह हम पात में पकाते हैं। तो चलिए इसको फटाफट छोटा छोटा टुकड़ा करके, ये पानी है यहाँ पे धोएंगे। दोस्तों ये देखिए मशरूम, बटन वाला मशरूम हम लोग काटते हैं। तो अब तक क्या काटते हैं कमेंट करके बताना। ये हम लोग बटन वाला मशरूम, इसको सारा इसी तरह तोड़ेंगे, तोड़ करके पल्टी में अच्छा से खो करके हैंड सम कर देंगे। तो दोस्तों वो वाला ग्राइंडिंग मशीन में तो हम लोग पीसे चावल आटा, इस ग्राइंडिंग मशीन में हम लोग मसाला पीसेंगे। ये रहा सूखा मिर्ची, जीरा और गुलकी, और ये है गोटा वाला अदरक। तो हो गया है, तो पीसेंगे रकड़ रकड़ करके अच्छा से। तो इसमें डबल करके रखे हैं गोटा वाला धनिया, ये रहा गोटा वाला धनिया पीसेंगे।
तो ग्राइंडिंग मशीन में रगड़ रगड़ कर पीस लिए है, तो इसको इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे। हो गया है, इसको उठा करके यहाँ पे जुगाड़ करें। जुगाड़ मसाला सब लाए हैं, इसको हमने बनाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसा हम करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा पत्ता उत्ता पे चढ़े कर लिए हैं झाड़ू आड़ू लगा करके। तो केस कटिंग करेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी फ्राई हो। फ्राई हो गया है, मशरूम डालेंगे। ये रहा मशरूम, में देना पड़ता है लकड़ी को, बांस का लकड़ी हम दे दें। और आज तो इतना गर्मी लग रहा है ना, बाप रे। तो मशरूम तो फ्राई हो गया है, डालेंगे ये रहा मसाला। ये रहा हल्दी का पाउडर, एक चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक तो डालिए हैं, मिलाएंगे अच्छा से। यहाँ मसाला का पानी इसमें थोड़ा सा झोर ऐड करेंगे। सब्जी तो रेडी हो गया है, चावल का आटा मशरूम का सब्जी में ऐड करेंगे। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। तो तवा को चढ़ा लेते हैं, इसके ऊपर में पकाएंगे। और ये देखिए पत्ता जुगाड़ करके रखे हैं, तो आज तो पतला पिठा बना के इसमें डालेंगे पतला में, और इसी पत्ता में पकाएंगे। इसको मिला करके लगाएंगे, फैलाएंगे पूरा, फैला लिए। और ऊपर में पत्ता से और एक ठो पतली से ढक दें।
और ये कंप्लीट हो गया, पतरा पिठा तो कंप्लीट हो गया है, तवा के ऊपर में चढ़ाए, पकेगा, इसके बाद तो पलटी करेंगे। हाँ जी, तवा के ऊपर में ये पक रहा है और उसी तरह उधर बनाएगी, इसको बना रही है, यह होगा, इसको पलटाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, एगो चढ़ा दी है और यहाँ पे दो गो है, तीन गो है एगो छोटा सा पत्ता में। अब ये रहा लकड़ी जलावन के लिए लाए, ये रहा पत्ता पिठा। ये देखो इसी तरह पकाया जाता है, इसी तरह पकाया जाता है। ये देखो पका है कि नहीं, ये पक गया है ना। तो ये देखिए एगो कंप्लीट हो गया ऐसा है यहाँ पे, ये देखो ऐसा हो गया।